बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम को देश भर में करोड़ों लोगों ने सुना। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रही टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मन की बात कार्यक्रम को सुनते नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर में जहां प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में निवासियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सेवा बहाल की गई। ये सेवा बैंक सखी स्कीम के तहत लोगों के लिए शुरू की गई है। देखिए रिपोर्ट। देश के बलरामपुर में निवासियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सेवा बहाल की गई। ये सेवा बैंक सखी स्कीम के तहत लोगों के लिए शुरू की गई है। वहां के निवासियों को इससे पहले लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा करके इन सेवाओं को लेने के लिए शहरी क्षेत्रों में जाना पड़ता था। वहीं अब लोगों के लिए भुगतान संबंधी कई सुविधाएं उनके नजदीकी केंद्रों में उपलब्ध हैं। जिला पंचायत अधिकारी ने इस विषय में जानकारी दी। हमारे यहाँ कई सारे जो है वो क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत दूरस्थ क्षेत्र हैं और वहाँ पे जो है वो जाने की व्यवस्था जो है थोड़े पहुंचविहीन क्षेत्र है। वहाँ पे जो है हमने बैंकिंग सुविधाओं के लिए शासन की ओर से 126 बीसीज जो है वो पूरे जिले में है। बीसीज हमारे बैंकिंग सखीज हैं, जो एक बैंकिंग सखी जो है वो लगभग 3 से 4 गाँव को केटर करता है। बैंक के लिए समस्या होती है, वहां से हमारे चिंचुना कुंदाक से लगभग बैंक 50 किलोमीटर की दूरी पे पड़ जाती है, तो जिसके पास सुविधा नहीं है उसको तो बहुत कठिन ही पड़ता है आने जाने के लिए। तो उन लोगों को मैं, जैसे गरीब हो गया और कुछ पैसा रहता है पेंशन मतलब बुजुर्ग लोग का, तो उन लोग बैंक नहीं जाने पाते हैं, तो उन लोग को जो है जहाँ पे नेटवर्क रहता है, ऐसे तो नेटवर्क का समस्या भी है हम लोग के यहाँ, तो जहाँ पे नेटवर्क बताती है जंगल में वहाँ पे ले जाके उन लोग को, जैसे पेंशन हो गया और तेंदुपत्ता पैसा हो गया, नरेगा पैसा हो गया, तो उन लोग को मैं भुगतान करता हूँ। हाल ही में शुरू की गई बैंकिंग सेवा के तहत ग्रामीणों को आधार पंजीकरण, नरेगा धनराशि आदि भुगतान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बैंक सखी में कार्यरत महिलाएं ग्रामीणों के घर घर जाकर सभी के पंजीकरण में निरंतर कार्यरत। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाल बहादुर शास्त्री भवन में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक लेने के लिए इस डैशबोर्ड और कमांड सेंटर का उद्घाटन किया गया और इसके जरिए योजनाओं और उसके लाभार्थियों के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी सरकार को मिल सकेगी। अभी तक केवल गुजरात सरकार ने ही इस तरह की पहल की है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने डैशबोर्ड का शुभारंभ किया और इसके साथ ही आपको बता दें कि एनएक्सी में कमांड सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इस पहल से जहां कई सुविधाएं अब आम जनता को मिल सकेंगी। अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। बीजेपी कल कर सकती है नए जिला अध्यक्ष की सूची जारी। बीजेपी संगठन में हो सकते हैं कई बदलाव। नॉन परफॉर्मेंस जिला अध्यक्ष पर गिरेगी का। बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का ट्वीट, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर किया ट्वीट, लिखा चुनाव के समय धार्मिक विवाद पैदा करना घिनौनी राजनीति। अयोध्या में आज से रामलला दर्शन के लिए खुलेगा नया मार्ग, पथ पर बने नवीन दर्शन मार्ग का होगा शुभारंभ, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी जानकारी। अमरोहा में रील बनाने के चक्कर में युवक ने बुलेट को पेट्रोल से नहलाया, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। मथुरा में नहीं सुधर रहा ट्रैफिक व्यवस्था का हाल, लगातार बढ़ी रहती है जाम जैसी स्थिति, काफी समय तक जाम में फंसी रही एंबुलेंस। बरेली में तख्त लेकर
निकल रहे मुस्लिम समुदाय के लोग हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए, आधा दर्जन लोग हुए खाए। फरुखाबाद में तालाब में डूबने से बालक की हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम, गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला बाहर। फरुखाबाद में फंदे से लटकता मिला महिला का शव, मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज और हत्या का लगाया आरोप, ससुराल जन फरार, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में छत गिरने से पांच महिलाएं घायल, मोहर्रम में ताजिया देखते समय हुआ हादसा, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। संत कबीर नगर में भीषण सड़क हादसा, एक की मौत, दो घायल, परिजनों में मचा कोहराम, बकीरा थाना क्षेत्र का मामला। संत कबीर नगर में अधिवक्ताओं के आंदोलन के सामने झुका जिला प्रशासन, तहसीलदार ने किया स्थानांतरण, अधिवक्ताओं ने भ्रष्टाचार का लगाया थार। बिजनौर में जंगल में मिला बाघिन का शव, वन विभाग में मचा हड़कंप, शव को पोस्टमार्टम के लिए किया रवाना। कन्नौज में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में चले लाठी डंडे, घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने मौके से तीन लोगों को किया गिरफ्तार। गोंडा में भ्रष्ट प्रधान और सचिव पर चला डीएम का हंटर, पंचायत भवन के निर्माण कार्य में कर रहे थे काम, पैसों का हेर फेर, डीएम ने दोनों के खिलाफ कराई एफआईआर दर्ज। सहारनपुर में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस, मृतक की शनाख्त में लगी, शव को भेजा पोस्टमार्टम के। सहारनपुर में सड़क किनारे रखे ट्रांसफार्मर में लगी आग, लोगों में मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शातिर चोर को किया गिरफ्तार, मोबाइल शॉप में चोरी की घटना का हुआ खुलासा। आजमगढ़ में शॉर्ट सर्किट के चलते एक्सिस बैंक में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। अलीगढ़ में लापता बेटी ना मिलने पर पिता ने थाने में खाया जहर, आनंद फानंद में पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती, इस मामले में पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार। आगरा में दबंग ने वृद्ध पर लाठी डंडों से बोला हमला, जमकर की मारपीट, पुलिस ने घायल वृद्ध को अस्पताल में कराया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। फरुखाबाद में दोहरे हत्याकांड में पिता के बाद पुत्र की मौत, मृतक का शव परिवार को नहीं मिला, परिजनों ने एसपी आवास पहुंचकर किया हंगामा, पुलिस से हुई नोक। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी और अहम जानकारी गोरखपुर से, बड़ी खबर, सीएम योगी का दो दिवसीय गोरखपुर दौरा, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मिशन 2024 पर सर्किट हाउस में मंथन किया जाएगा, साथ ही आपको बता दें कि सरकार की उपलब्धियां भी बताएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोरखपुर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं, सुरान जहां वो बैठक करेंगे, तो साथ ही आपको बता दें कि 2024 चुनाव को लेकर के भी मंथन किया जाएगा, साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को सरकार की उपलब्धियां भी गिनाएंगे। ये बड़ी खबर गोरखपुर से। तो सीएम योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां आपको बता दें कि वो गोरखपुर में सर्किट हाउस में मिशन 2024 पर मंथन करेंगे, तो साथ ही साथ सरकार की उपलब्धियां भी बता रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर गोरखपुर से। दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी खबर, जहां गोरखपुर दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में 2024 चुनाव पर मंथन करेंगे। तो वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है, क्या कुछ खास रहने वाला है?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर अभी गोरखपुर के नेक्सी भवन में पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें कि मिशन 2024 को लेकर आज एक बड़ी बैठक सीएम द्वारा किया जा रहा है। यहां पर जो बड़े व्यापारी हैं और स्कूल के जो प्रबंधक हैं, राजकीय विद्यालय के जो प्रबंधक हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनको लेकर जो है एनएक्सी भवन में एक बैठक की जा रही है और पूरी तरीके से आपको बता दें कि बीजेपी 2024 मिशन को लेकर पूरी तैयारियों में फ्रंट फुट पे तैयार हो चुकी है और पूरी तरीके से उनका मिशन है कि किस तरीके से 2024 को जो है फतेह किया जाए, जीत हासिल किया जाए, उसको लेकर सीएम योगी अभी यहां पे बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक में जो है तमाम जो उपलब्धियां हैं प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की, उन उपलब्धियों को भी वो बता रहे हैं और साथ में जो है किस तरीके से व्यापारियों को जब से उनका शासन आया है, जब से वो प्रदेश की कमान संभाले हैं, तब से किस तरीके से व्यापारियों को सुरक्षा दिया जा रहा है, यानी कि जो अन्य सरकार में जो गुंडई थी वो गुंडई किस तरीके से खत्म हो गई, उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी योजनाओं को बता रहे हैं और पूरी तरीके से तैयारी है कि मिशन 2024 को किस तरीके से फतह किया जाए। जी बिल्कुल सुभाष, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि मिशन 2024 को लेकर के भी मंथन किया जा रहा है, कौन कौन इस दौरान वहां पर मौजूद है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे जो तमाम जो विधायक हैं प्रदेश गोरखपुर जिले के 9 विधायक हैं, वो विधायक सदर और ग्रामीण और तमाम जो है पिपराइच हो गया या गोरखपुर के अन्य जो है विधायक हैं सभी जो है यहाँ पे मौजूद हैं और साथ में सांसद रवि किशन भी उनके साथ मौजूद हैं और तमाम जो यहाँ के व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं जिनकी अच्छी पकड़ है लोगों के बीच में, उनके साथ वो बैठक कर रहे हैं और साथ में प्रधानाचार्य हैं और प्रधानाचार्य के साथ साथ जो है जो प्रबंधक हैं स्कूल के जिनकी जो है अच्छी खासी पकड़ है, उनको जो है लेके यहाँ पे बैठक चल रही है। जी बिल्कुल सुभाष, और जिस तरीके से जब जब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहते हैं तो वो कोई ना कोई सौगात गोरखपुर की जनता को जरूर देते हैं, क्या इस बार के दौरे में भी कोई खास सौगात वो गोरखपुर की जनता को देने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज उनका कार्यक्रम अब यहाँ पे एनएक्सी भवन में कार्यक्रम होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है जाएंगे गोरखनाथ मंदिर आवास पे और रात्रि विश्राम करेंगे गोरखनाथ मंदिर आवास पे। और कल बता दें कि आपको कल जो है दो सौगात देने वाले हैं जिसमें जो है स्पोर्ट्स कॉलेज में जो है पीएम आवास योजना के तहत जो है लोगों को चाबियां सौंपेंगे और साथ ही जो है जो यहाँ वकील हैं, वकीलों के लिए जो है कलेक्ट्री कचहरी में चेंबर बना हुआ है उसको लेके जो है लोकार्पण और शिलान्यास कल करेंगे। जी बिल्कुल, आप बने रहिए सुभाष हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है और इस दौरान जहाँ वो मिशन 2024 पर भी सर्किट हाउस में मंथन कर रहे हैं, तो साथ ही साथ अपने दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियां भी गिनवा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोरखपुर से जहां सीएम योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है, उस दौरान उनका ये गोरखपुर दौरा काफी महत्वपूर्ण भी बताया जा रहा है क्योंकि मिशन 2024 को लेकर के वो मंथन कर रहे हैं, तो साथ ही साथ सरकार की उपलब्धियां भी बता रही है सीएम योगी आदित्यनाथ। और रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी, ये बड़ी खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। विजय मिश्रा स्पेशल कोर्ट में पेश किए गए हैं, आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने विजय मिश्रा को कोर्ट में पेश किया है, अदालत ने जेल भेजने का आदेश दिया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी, वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए। सैयद, सबसे पहले आप फिर जानना चाहेंगे जिस तरह से अब अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा को पुलिस कमिश्नरेट ने अदालत में पेश किया है, क्या कुछ आज खास रहा, क्या कुछ आज पर आगे कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी बता दें आपको कि जिस तरह से बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी वकील विजय मिश्रा को आज पुलिस ने रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया था, क्योंकि आज रविवार था इसलिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर उन्हें न्यायिक हिरासत में नैनी जेल भेज दिया गया है।
बता दें कि पुलिस ने भी इस पर अब उपायुक्त नगर ने बयान दिया, बताया है कि उनके पास कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं और साथ ही जो अतीक अहमद के पहले अधिवक्ता थे खान दौलत हनीफ, उन्होंने भी अपने बयान में इनके लिए कई चीजें बताई थी, जिसके बाद ये सबूत के तौर पर पुलिस के पास है और पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ी बात, विजय मिश्रा पर पुलिस के अनुसार कई पहले भी मामले दर्ज हैं और इस पर अब इन पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी जी, ऐसा पुलिस का कहना है। जी बिल्कुल सैयद, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से बताया गया कि जो है इस पूरे मामले को लेकर के, यानी कि रंगदारी मांगने के मामले पर उन पर जो है FIR दर्ज की गई थी, कब का ये मामला था, किस वक्त FIR दर्ज हुई थी, जिस पर अब कार्यवाही अमल में लाई गई है? ये बता दें, जहां कुछ महीने पहले अतर सैयद थाने में इनके पर रंगदारी मांगने के मामले में FIR दर्ज हुई थी और साथ ही जिस मामले में इन्हें जेल भेजा गया, उमेश पाल हत्याकांड में रेकी करने का इन पर आरोप है। जब उमेश पाल निकले थे कोर्ट से तो इन्होंने शूटर को फोन करके उसकी जानकारी दी थी, जिस मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा गया है, जिसमें इनके ऊपर 120B और कई गंभीर धाराओं 302 307 जैसी गंभीर धाराओं में मामला भी दर्ज किया गया है। जी जी बिल्कुल सैयद, और फिलहाल अब कब तक के लिए उनको जो है रिमांड पर भेजा गया है, अदालत ने जेल भेजने का आदेश दिया, क्या इस पर आगे भी सुनवाई होनी है? जी, इनको अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे भेजा गया है, क्योंकि कोर्ट नहीं थी आज संडे के दिन, तो रिमांड मजिस्ट्रेट सीधा उनको न्यायिक हिरासत में भेज सकते, तो उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अब पुलिस इनकी रिमांड की मांग करेगी और जब रिमांड की मांग होगी तो इनको पुलिस रिमांड पे लेगी, उनसे कई पूछताछ जब करेगी तो इसमें कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये अतीक के करीबी थे और अतीक अहमद की पत्नी साहिस्ता परवीन और उनकी देवरानी की अशरफ की पत्नी जैनब थी, उनके भी ये काफी टच में रहा करते थे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सैयद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पुलिस कमिश्नरेट ने विजय मिश्रा को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद अदालत ने विजय मिश्रा को जेल भेज। ब्रश करो नहीं तो दांत सड़ जाएंगे।